ये मेरे लम्स के प्रोफेसर ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि पॉवर्टी मत बोला करो मैंने लम्स के स्टूडेंट्स का ये देखा है कि वो किसी ना किसी तरीके से बात में मेंशन जरूर कर देते हैं कि मैं लम्स से हूँ ये मैं, मैं मैं जरूर करता हूँ सर हाँ, ये मैंने देखा था नहीं, मैं क्यों दिए तीस लाख रूपये डिग्री तो मैंने की नहीं तो अब कम अज कम मैं फ्लैक्स भी ना करूँ अल्लाम नमस्ते ससविया काल मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो स्टैंड अप कमेडियन अपने आप को बुलवाना पसंद नहीं करते राइटर हैं कंटेंट क्रिएटर हैं थिंकर हैं सोसाइटी का आईना उनको दिखाते हैं रेंटर हैं कैसे हैं संजय रजोड़ा मैं बहुत सही हूं सर आप कैसे हो थैंक यू फॉर हैविंग मी नो नो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कैसा चल रहा है ऐसी तैसी वर्ल्ड टूर वर? uh, वर्ल्ड टूर वर तो नहीं अभी दो कंट्रीज uh, करें हैं But, अच्छा हुआ नया सीज़न है बहुत दिनों के बाद कोविड के बाद परफॉर्म करना शुरू किया तो देर वॉज गैप पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छा नया लेके आए होपफुली अच्छा है तो आप वैसे मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की बहुत लेता हूँ आप भी एन आर की लेते रहते हैं बड़ी आपने कल खूब जुमला कहा कि वो खाते वहाँ और <laughs> क्यों अपने पॉडकास्ट को <laughs> <आप>। <laughs> तो ये इंटरनेशनल टूर्स पे जब जाते हैं तो आपको ये मसला नहीं होता कि आप तो मतलब एन आर आई का जो ओपिनियन है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो ओपिनियन है मेरे लिए उनसे एंटी जा रहे हैं देखिए सर आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट का काम ही ये होता है कि जो अपनी सोसाइटी है वो उसमें जो चीज़ें थोड़ी टेढ़ी हैं या थोड़ी कोई अनजस्ट हैं उसके बारे में कुछ कमेंट्री करे और एन आर आइज या वसिस पाकिस्तानी जो है सारी तो एक जैसे भी नहीं है ना नहीं। उनमें भी कुछ लोग होंगे जिनको यही चीज़ें दिखती होंगी जिनको लगता है दे पीपल कैन एक्चुअली लव देयर कंट्री बाय पॉइंटिंग दीज थिंग्स आउट इवन दो इवन दो दे आर नॉट लिविंग इन द कंट्री बाहर रह के भी आप अपने मुल्क से अपनी सोसाइटी से प्यार कर सकते हो अब तो वैसे लोग भी हैं और जो छिड़ जाते हैं बातों से वो मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी हैं पाकिस्तान में भी हैं पाकिस्तान के बाहर भी हैं

कि वीज़ा प्रोसेस को एक्सेस करें और जाएं लेकिन एक हवा सा बना हुआ है कि यार इम्पॉसिबल है जा नहीं सकते उन्हीं से अब पॉलिटिकल कंडीशन सब तो हमारे हाथ में है नहीं ठीक है ना लेकिन अपनी तरफ से हम ट्राई कर सकते हैं अगर आप ट्राई करो और आपकी जो है दोस्त वोस्त हैं तो फिर आप काम हो जाता है ट्राई करो तो ट्राई करना जरूरी है ना इस दवा आप पैदल आए हाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस हाँ रियल था यू आर स्टैंडिंग एट द लाइन ऑन द इंडियन साइड एंड सामने आपको पता है पाकिस्तान है लेकिन वो प्रोसेस है उसके थ्रू जाना है इवन you यू क्रॉस द बॉर्डर एयरटेल के सिग्नल चलते हैं डेढ़ किलोमीटर तक एयरटेल का सिग्नल चल रहा था और जो पाकिस्तानी आए थे रिसीव कर रहे उनके नहीं चल रहे थे इस पे जावेद अख्तर ने क्या लिखा है आ, मैं हम वो बो बोल रहे थे कि उन पंची नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद ना रोके उन्हें सिग्नल भी लिख देना चाहिए था <laughs> कि सिग्नल भी कोई नहीं रोक सकता तो या इट वॉज फैसिनेटिंग एंड द मोमेंट आई क्रॉस्ड और फिर फ्राम द बॉर्डर ड्राइव इन टू द सिटी मुझे तो यही लग रहा था कि मैं तो वहीं अपने घर के पास ही घूम रहा हूँ सेम नज़ारे सेम गुरबत सेम मतलब बॉल स्क्रैचिंग मैन स्टैंडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड इस साइड तो मैं था सिग्नल नहीं चल रहा था लेकिन बॉल स्क्रैचिंग चल रही थी वो वाले सिग्नल तो चल रहे थे वो वाले को सब ए, बॉल मैं क्रिकेट खेल रहा था। आप किसकी बात कर रहे हैं मैं तो वो बात नहीं रहा नहीं वर्ड कर रहा था नहीं तो मैं वही स्क्रैच उसी बॉल की बात कर रहा था आप पता नहीं वो पड़ी हुई भी मैंने देखी एक ही है? आ, सर वो <laughs> आ, मैं तनकीद बहुत करता हूँ ना तो दूसरी ले गए अच्छा। <laughs> एक एक कुछ काफी है। कुछ तो कम करो इसको बिल्कुल आ, सर मैं भी जब दिल्ली गया था मुझे भी बिल्कुल यही फील हुआ था इवन मैं, मैं 2012 में गया था आई डोंट नो डों आज तक कितना एडवांस हो गया है बट मेरी आइडिया यही था कि अगर कोई गोरा होता उसको तो अगर मैं लाहौर में कोई क्लोरोफोम दे के सुल देता और दिल्ली में उठा देता उसको तो पता भी नहीं चलता कि मैं किसी और मुल्क आ गया हूँ नहीं पता चलेगा इस्पेली मतलब सम पार्ट ऑफ लाहौर इस्पेली रिंग रोड जो है एंड यू ट्रेवल ऑन डेली मेरेट एक्सप्रेस वे एग्जैक्टली द सेम इवन द नज़ारा जो दोनों साइड नज़ारे हैं बिल्कुल सेम मुझे तो यही लग रहा था मैं वहीं पर घूम रहा हूँ डेली में एटलीस्ट स्कास टाइप तो एंड ऑन दैट रोड यहाँ तो खाली है दोनों साइड खाली हैं अच्छा है बना लो मौका है तो, है वक्त है, बना यही तो हम नहीं चाह रहे कि ना बनाएं। क्योंकि जो ये ज़मीनें ले रहे हैं, उनसे मुझे बोलने दें वो तो प्रॉब्लम यार हर कंट्री की प्रॉब्लम है यार कहीं पे कोई मसला खड़ा कर रहा है कहीं पे कोई मसला खड़ा कर रहा है हम लोग कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो है नहीं ना हम लोग अपना जो काम हम करते हैं उसके मैं करता हूँ आप करते हो और और भी बहुत सारे लोग हैं उसके ज़रिए हम सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये थोड़ा गलत है ये गड़बड़ हो रही है बेसिकली वी आर जस्टिस जंकीज़ मतलब जस्टिस के लिए तो बोल बोलते हैं अब उसमें किसी को अगर बुरा लग रहा है कि अगर कोई जस्टिस की बात कर रहा है और सामने वाला कोई बुरा मान रहा है कि इसने ये बात कैसे कर दी इसने ये कमी कैसे निकाल दी देन प्रॉब्लम उनकी है यार मतलब अगर आप अपने अपनी बुराइयों को पहचानोगे नहीं अपनी गलतियों को पहचानोगे नहीं तो वो ठीक कौन करेगा उनको असल में होता पता है क्या है शज़ाद हमारी कंट्रीज़ में जो पावर और प्रिविलेज जिन लोगों के पास में है ना वो एग्ज़ामिन भी नहीं करना चाहते उनको क्योंकि वाई वुड दे वॉन्ट टू लिव देयर प्रिवलेज कोई भी अपनी प्रिवलेज क्यों छोड़ना चाहेगा जो इसीलिए कोई भी अगर उन पर कोई आ, आ, पॉइंट आउट करता है कोई सटायर करता है उनको प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको डर लग रहा होता है कि हमारी प्रिविलेज ना छिन जाए उस पर अटैक ना हो जाए किसी तरीके से बट हम भी बाज नहीं आते हमसे भी चुप नहीं रह जाता आपसे चुप रह जाता है अभी करे जा नहीं। नहीं। रहे हो इतने सारे मैं देख रहा हूँ <laughs> पता नहीं कितने तो ऊपर ही है ये। तीन सौ तीन, तीन सौ हो गए ना तो चुप हो रहे हो नहीं नहीं

कि मेरा नेचर एक पर्टिकुलर काइंड का हो गया है मैं थोड़ा सा आ, मैं चलो कन्फेस uh, करता हूँ मैं थोड़ा बिटर किस्म का इंसान हो, हो गया हूँ लाइफ में विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैड एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू 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 जस्ट समाइम फॉकेट मैन मतलब बहुत हो गई बकवास अरे जितना बुरा हो चुका है उससे बुरा और क्या ही हो जाएगा तो आई डोंट थिंक आई एम पर्टिकुलरली फनी आई एम नॉट फनी एट ऑल आई मैं अपना वीडियो देख भी नहीं पाता हूँ मतलब मेरे तीस सेकंड बाद मुझे लगता है कि क्यों बकवास कर रहा है ये बंदा आई डोंट थिंक आई एम पर्टिकुलरली फनी यस मैं ये जरूर मानता हूँ कि मैं बिटर बिटर भी हूँ और एंग्री भी हूँ और लेकिन मतलब ये नहीं मैं बाहर सड़क पर निकल गई से थप्पड़ मारता घूम रहा हूँ या कुछ वायलेंस कर रहा हूँ बट बिटरनेस एंड एंगर इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड जो अपने चारों तरफ होते हुए जो दिख रहा है उसको देख के हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग है कि यार आई कान डू एनी थिंग अब कोई आप देखो कल परसों की बात है कराची में ही मैं एक दोस्त के साथ गाड़ी में एक पढ़ी लिखी जो है खातून चश्मा वश्मा लगाया हुआ था उन्होंने मतलब पढ़ी लिखी लग रही थी वो अपने छोटे से बच्चे के साथ वो कुछ सेलिंग सम पेन बेच रहे थे सड़क पे कोई खरीद लो कोई खरीद नहीं रहा था ना आई कुड क्लियरली सी दैट ये टू प्राउड टू बैग है ठीक है वो शी वॉन्ट बैग मतलब वो चोरी भी नहीं करे करेगी और वो बच्चा इतना छोटा सा उसको इतनी गर्मी में सड़क पे ये देख अभी आप ये सीन आप कहीं पे भी देख लो हम वियतनाम वॉर की फिल्म देखते हैं तो जब वो नापाम ना, वो, पाम। वो हुआ था जी जी। उसके सीन देख के तकलीफ़ होती ना दर्द होता है ये ह्यूमन नेचर है मतलब इतनी इंसानियत रखो ना तो वो कहीं पे भी हो वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या वियतनाम में हो या श्रीलंका में हो इफ़ देर इज़ ह्यूमन सफरिंग एंड यू डोंट रिएक्ट टू दैट एंड यू डोंट इट अफेक्ट यू देन जन सर इसमें वो नैल जी ड्रॉ करें कल हम जो भोपाल ट्रेजडी की बात कर रहे थे क्योंकि वो एक टेस्टलेस इनविजिबल गैस है mm -hmm. तो वो जो उसका हुआ तो हुआ बट तो उसके ईयरस ऑन जो लोगों के मेडिकल रिएक्शन हो रहे हैं आप बता रहे थे इट like well. mm -hmm. तो उसी तरह पॉवर्टी एंड mm -hmm.

हाँ तो लम्स के प्रोफेसर ने इम इं... बोला करो क्योंकि हाँ, पॉवर्टी ऐसे नहीं है कि अल्लाह ने मतलब गरीब बना दिया सबको गरीब बना दिया गरीब गुर्बत हो गई जी बड़ी दुख की बात है गुर्बत हो गई नहीं ये गरीब हैं क्योंकि तुम अमीर हो Correct. तो किसी ने चोरी करके इनको गरीब किया है बाई डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है जी या फिर जो बहुत ज़्यादा अमीर है लाइक लाइक यू सिंह जो बहुत ज़्यादा अमीर है ज़्यादा टैक्स भरे वो अपनी दौलत के हिसाब से टैक्स भी दे इतनी डिस्पैरिटी है और टैक्स की एक्सपेक्टेशन दोनों से बराबर है तो ये अनफेयर है सो यू नो व्हेन वी लुक एट इंडिया हमारा एक आइडिया होता है कि वो इनकम इनवालिटी बहुत ज़्यादा है कि ठीक है एक तरफ आपके अम्बानी और टाटाज़ हैं बट बटत भी बहुत ज़्यादा है मीन मूवीज लाइक हैट मेट देर जब आप पाकिस्तान आते हैं ये जब भी मैं इलीट्स को तनकीद करता हूँ मुझे अक्सर एक फीडबैक आता है कि दुनिया में हर जगह एलिट्स होते हैं लेकिन ये एल्हान नाज जो जो प्रोफेसर है उन्होंने भी अच्छी बात की थी कि पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअली बोगस है पाकिस्तान की एलिट तो ये ये जो एक है ये आपको लगता है कि यार पाकिस्तान में थोड़ी ज्यादा है कि इतनी इन द फेस आपकी गुर्बत होती है और उसके बिल्कुल सामने ही बगैरती से बेशर्मी से इतना एग्जीबिशन ऑफ वेल्थ होता right. है राइट वो शायद आप उनके मुंह में जाके उनके मरते हुए भूखे बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं शोइंग बायर वेल्थ ड्यू फील इट्स जस्ट एज बुलेटन इन इंडिया या डू फील पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा यहाँ थोड़ा ज्यादा है सर यहाँ ज्यादा है और इंडिया में मतलब यहाँ यहाँ यू आर राइट यहाँ इन योर फेस मैंने देखा आई हैव सीन इट सो मच इन योर फेस कोट एंड कोट के यू फील प्यूकिश और ये भी बात ठीक है तो गुर्बत तो दुनिया में हर जगह है हर जगह ही है बिकॉज ऑफ द वे द वर्ल्ड फंक्शन दुनिया अमेरिका में इतनी इतनी गरीबी है वहाँ पे मैंने फौजियों hmm. को देखा है अफगानिस्तान तो गरीबी तो हर जगह है लेकिन यहाँ ऑफ uh, फेस है इनको पता होना चाहिए ना क्योंकि वो जो एक में लोग रहते हैं जी दस दस हजार आप लंच पे खर्च कर रहे हो आपको हम हाँ, जरा जागने की जरूरत है ना बिल्कुल है मैं अपोलोजाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक चीज मैं मानता हूँ जो मैंने बोर्ड इनकी राइटिंग से और उसकी टॉक से सीखा है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड होस्ट एंड इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड गेस्ट तो इसलिए मैं अपोलोजाइज करा था बट दैट डेंज द फैक्ट दैट इन योर फेस है बेसिक राइट्स इट्स अनफेयर किसी को बुरा लग रहा है तो लगे यार पता होने की जरूरत है हम जब थोड़ा बहुत क्राइम भी डिस्कस कर रहे थे इजी टू ना कि ये मोबाइल मोबाइल चोर चोर है है और जाहिर बात कोई चोर, चोरी कर रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसको सेलिब्रेट करो वो कोई भगत सिंह है।, है उसका जो क्राइम है उसका लॉ हो वो करो बट आपने जो सोसाइटी के कंडीशन बनाए हुए हैं जिसमें आपकी जो सबसे अमीर क्लास है वो सब्सिडीज से या टैक्स चोरी से वो जो व्हाइट कॉलर क्राइम वाली जो चोरी वो है वो चोरी जो कर रहा है उसका क्या वो क्या वो हम नहीं डिस्कस करते वो बस हम दो पॉलिटिशियंस हमने बना दिए हैं विलन के तौर पे mm -hmm. और बाकी जो पूरी हमारी फाइनेंशियल एलिट है वो हाथ धो mm -hmm. के फरिश्ते बन गए कि यार ये दो बुरे लोग आ गए एग्जैक्टली बिकॉज आई आई थिंक दैट रादर देन ब्लेमिंग द पॉलिटिशियंस फॉर वट एवर सिचुएशन कंट्रीज आर आई थिंक वी शुड लुक इन कि हम हम

मैं उससे पूछूँ कितने हुए वो बताता है भी मेरे कुछ तीन चार बल्ब जो हैं वो खराब हो गए थे तो आया वो दो तीन घंटे उसने काम किया उसने बोला हज़ार रुपए हुए mm -hmm. तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी लाइक ए थाउजेंड रुपीज अगर मैं उसको ओवर भी दे दूँ आई स्टिल रियलाइज के वो जो जितना चीप लेबर है mm -hmm. वो एक लेवल पे एक्सप्लोइटेशन तो है और आप उसे okay. फ़ायदा तो उठा रहे हो okay. तो आप जो चीज़ें खरीदते हो या आप लिटरली जो भी कर रहे हो यू आर एट सम पॉइंट टेकिंग एडवांटेज ऑफकोर्स थिंग्स तो so, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जैसे भी पॉडकास्ट के जरिए अपने पाप धोने की कोशिश करते हो को क्योंकि हम मानते हैं ना कि हम हमारी हम भी हैं, हैं।, हैं। पार्टिसिपेट की इस साइकिल के हिस्से हैं मैं शायद अपने लिखने से या अपनी कॉमेडी से अपने पाप धोने की कोशिश करता हूँ अपने कैथारसिस करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज अनफेयरनेस की जो सारी लिमिट है ना वो क्रॉस हो रही है ह्यूमेनिटी में यार मतलब पुअर और भी पुअर होता जा रहा है और वो इलोन और ये सब लोग हैं वो अपने स्पेस शटल बना mm. रहे हैं कोई उसमें बैठ के सब में बैठ के नीचे टाइटेनिक देखने जा रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके कुछ ऐसे ही कुछ था ना वो डूबेड mm -hmm. टिकट like yeah, था और और हम कौन से वर्ल्ड में हैं हम ना तो इधर हैं और ना इधर हैं हम बीच में कहीं पे लटक रहे हैं इसको बचाने के चक्कर में मतलब इसके बारे इसको आवाज़ देने के चक्कर में जो अंडर प्रिवलेज है या इम्पावरिस्ड है hmm. उसकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम इस हिस्से क्या थोड़ा सा फ़िल्टर हो होकर थोड़ा सा जो प्रिवलेज है hmm. वो हमारे उसमें भी आके पड़ा हुआ है इट्स अनफॉर्चुनेट बट दैट्स द रियलिटी वही है कि प्रिवेज इन इट सेल्फ इज नॉट अ क्राइम आई थिंक अगर आपके पास प्रिवेलेज है वो अभी हमारी एक ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं ईमान मजारी उनकी जो वाले हैं वो मिनिस्टर थी ह्यूमन राइट अभी इनको उठा लिया गया तो सब हम लोगों ने तनकीद की बदतमीजी आप उनको उठा रहे हैं फिर कुछ लोगों ने बोला भाई ये तो प्रिवलेज है नहीं तो है ज़ाहरी बात है बट शी टेकन हर प्रिवेज टू फाइट फॉर द मार्जिलाइज ना पी टी एम के लोगों के पश्वज मूवमेंट केसेजों केसे वो लड़ती हैं मिसिंग पर्सन केसेजों वो लड़ती हैं इन बारों में बोलती हैं

बट टू बी अवेयर ऑफ योर प्रिवलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टू ऑलवेज क्वेश्चन योर क्या कहते हैं आपकी जो कॉर्डिनेट हैं सोसाइटी के uh, अंदर वो उनको हमेशा इस क्वेश्चन करते रहना कि बिकॉज अब प्रिवलेज का सर ऐसा है एक हम फिजिक्स में प्रॉब्लम पढ़ा करते थे एक रैबिट है द रैपट इज जम्पिंग टू वर्ड्स द वॉल अब आप समझ लें कि ये एक वॉल uh, जो है ना समझ लें प्रिवलेज है तो प्रॉब्लम ये थी कि रैपिड इज द वॉल एंड विद ईच लीप द रैबिड कवर्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिटेंस तो रैबिड को ये लग रहा है कि मैं प्रिविलज की वॉल को ब्रीच करने की तरफ बढ़ रहा हूँ बट एक्चुअली देर इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस जो कवर नहीं होता वो कभी उसको ब्रीच नहीं कर पाता देट्स वॉट प्रिवलेज इज अब इसी जैसे मर्द लोग हैं वो बहुत सारे मर्द बोलते हैं कि आई एम अ फेमेनिस्ट वो कितने भी फेमनिस्ट बन जाए उनकी जो मेल प्रिवलेज है वो तो उनके पास है ही है ना hmm. है उसको तो वो नहीं ब्रीच कर सकते सो दे कैन एट मोस्ट बी एन एलाए ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट नो मैन कैन एंड शुड नॉट क्लेम टू बी फेमिनिस्ट बिकॉज उनका लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है hmm. अब जिन लॉयर्स का आपने जिक्र किया उन्होंने अगर वो हक की लड़ाइयों को अपनी प्रिवलेज की वजह से लड़ रही हैं उनको उनको धक्का दे रही हैं मतलब उसमें एक्सेस की वजह से वो आगे लड़ाई लेके जा रही हैं तो दैट्स

ये अक्सर सवाल पूछा गया तो ये? मतलब बेसिकली यही जानना चाह रहे हैं कि आपकी कास्ट क्या है कि राजपूत हो या जाट अच्छा, हो या कुछ कुछ जो मैं जो मैं और, और हो हाँ, पीछे तो वैसे <laughs> तो सब एक ही हैं ठीक है लॉट ऑफ अपर कास्ट पीपल इन इंडिया विल से कि आई डोंट बिलीव इन कास्ट आई डोंट प्रैक्टिस कास्ट एंड मुझे तो अपनी कास्ट भी पता नहीं है ओनली अपर कास्ट विल से उनको कभी वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस ही नहीं करना पड़ा ना तो फिर कैसे पर, अगर कोई दलित है उसको तो पहले दिन ही पता होता है उसकी कास्ट क्या है उसको पता है अब यहाँ पे भी ऐसे ही है ये सब कॉन्टिनेंट का इशू है अभी तो कैलिफोर्निया में एक लॉ बना है फाइनली जिसको गवर्नर का साइन का वेट हो रहा है पता नहीं करा या नहीं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जो है आ, क्राइम बना दिया गया तो आई होप दैट इट गेट्स बिकॉज

Disconnected from a rich Christian. I'm sure. not saying a rich Christian is not marginalized. They may be marginalized for yeah. different things. For other reasons. Ha. Like they're not the same mm. as the guy who's going into the gutter. Because yeah, yeah. wo banda se leta. Wo leta. Correct. system. This, this is a huge fight that our societies have to you know, engage with, and we have, we have to eradicate it at some point of time in future, hopefully. In mm. India, mein bhi, matlab, Dr. B.R. Ambedkar... Uh, जो थे बहुत लड़ने इंसान कहूँगा मैं उनको तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हो रही थी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है काफ़ी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है बहुत ही लिबरल सेकुलर डॉक्यूमेंट है तो उन्होंने इस कास्ट के इशू को एड्रेस करने की कोशिश करी है उसमें और गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ट्वेंटी रिजर्वेशन है फॉर जो एक्सप्ल्ट कास्ट हैं उनके लिए तो जिसके लिए अर्बन अलीट जो है बहुत शोर मचाता है कि मेरिट पे होना चाहिए सारा एडमिशन और ये पाकिस्तान में भी हाँ, यही है अर्बन अलीट का प्रॉब्लम है बट ये मेरिट भी तो एक प्रिविलेज की वजह से ही आती है ना यार जिसके पास एक्सेस है तुम्हारा बाप अगर मतलब सीनियर ऑफिसर रहा है ब्यूरोक्रेट रहा है अच्छे स्कूल में तुम गए हो अच्छे कॉलेज में तुम पढ़े हो और फिर तुम जो बंदे को एक्सेस ही नहीं है बेसिक स्कूल एजुकेशन का गाँव में मजदूरी करके जो उसको बोल रहे हो तुम वो तुम्हारे साथ मेरिट पे कम्पीट करे दैट्स अनफेयर और यही जो अर्बन एलिट है जिन पैसे वाले हैं ये जब इनका कहीं एडमिशन वगैरह नहीं होता है तो ये अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशन दे के भी एडमिशन कराते हैं तब वो मेरिट की बात नहीं करते हैं तो ये ये भी तो एक कोटा और रिजर्वेशन सिस्टम ही हो गया ना कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा

बिकॉज आप बिल्कुल ही फील्ड के करीब आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसको नहीं, नहीं मिली हैं तो हमारे भी अर्बन एलिट ये कहता है कि मेरिट के खिलाफ है कोटा और इंडिया में भी हमने जब डॉक्टर सुरजी हिंगे के साथ भी पॉडकास्ट की थी तो कॉमेंट्स में बहुत आया था कि दलित को यहाँ पर क्या इशू है सारी तो डिस्क्रमिनेशन इनके फेवर में होती है इनको रिजर्वेशन मिलती है इनको क्या शिकायत है तो ये जो ओपरेस्ट मेजोरिटी का एलूजन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नहीं वही जो मैंने सबसे पहले बात कही थी कि एनी आर्ग्यूमेंट और एनी एनी वर्ड रिटन और स्पोकन जब इस प्रिविलेज को हिट करता है जब इनको एक ख़तरा लगता है कि जो हमारे पास इतने सालों से जो पकड़ के बैठे हुए हैं इस पर तनकीद की जा रही है या इसको कोई चैलेंज कर रहा है तो अपने आप शोर में लग जाते हैं कि मेरिट और इक्वालिटी और ये और वो यार प्लेइंग फील्ड तो लेवल करो ना यार प्लेइंग फील्ड ही लेवल नहीं है तुम तुम सेम गेम खेल ही नहीं रहे हो तुम्हें एक गेम में एडवाटेज मिली है तुम एडवाटेज का फ़ायदा तुमको मिला है और अब तुम कह रहे हो कि वो बंदा तुम्हारे साथ गेम खेले जिसके पास बैट या बॉल खरीदेंगे पैसे ही नहीं है कैसे कैसे करेगा वो तो ये ये इल्यूजन हर जगह रिच का प्रिविलेज का इंडिया अगेन आई एम सेइंग द सेम बिकम मोर यू नो मैंने जितना ज्यादा दुनिया घूमा देखा ना मेरे को ये समझ में आ गया कि सारी दुनिया में सेम रिवाज चल रहा है। सेम बातों पे बन रहे हैं सेम, सारे है। सेम, रिवाज हो रहा, सेम इश्यूज़ हैं अब आप अमेरिका की इकोनॉमी को ही देखिए लास्ट जो क्राइसिस हुआ था हाउसिंग क्राइसिस वहाँ पे हुआ था किसके घर छिने थे लोगों की जिंदगी भर की कमाई के बुजुर्गों ने जो घर उनके घर तक छिन गए और गवर्नमेंट ने बचाया किसको? और इन इन सब, या या। इन सब को बेल आउट कर रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली में ये घपला किया था तो नाउ इफ दैट तो वही यही कौनों हम करेंगे कि भाई सरकार ने चोरों का साथ दे दिया वहाँ पे भी सरकार ने चोरों का साथ दे दिया दुनिया भर की आ, मुझे तो एक ही मसला लगता है कि जो जिनके पास जो हैव्स हैं वो हैव नोट्स से और ज़्यादा लेना चाहते हैं जितना उनके पास है तो वो भी लेना चाहते हैं उनका पेट ही नहीं भरता यार तो यही यही पूरी दुनिया में हो रहा है यही हमारी सोसाइटीज़ में भी हो रहा है और हमारी सोसाइटीज़ में एडेड प्रॉब्लम्स और हैं मेरे ख्याल से ग्राम ने कहा था ना कि दो ही क्लासेज हैं ओपरेस्ट और ओपरेसर यही दो दो फर्क है अगर ये समझने के लिए संजय राजोड़ा को समझने के लिए अगर हम थोड़ा पीछे चले जिंदगी में आपके दादा फ्रीडम फाइटर थे यस yes. जरा बताए ना उनके बारे में नाइनटीन में वो जेल भी गए थे और काफी लिबरल सेकुलर इंसान थे अभी तो उनको मौत हुए भी सत्ताईस साल हो चुके तो मुझे कोई खास इतनी मेमोरीज अब रही नहीं है बिकॉज बेसिकली ही वाज अ फार्मर किसान थे तो गांव में जब भी हम जाते थे तभी उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने को मिलता था आप एक खेती बाड़ी के खानदान से, से आते हैं आपके जो दादा थे वो फ्रीडम फाइटर थे एमर खाल साहब के वाले साहब जो हैं वो बीजेपी बन गए थे यार मैं तो शहजाद ये कहता हूँ बीजेपी हो या कांग्रेस सपोर्टर हो कुछ भी हो या कोई लेफ्टिस्ट है या कोई और समाजवादी है आप किसी को भी सपोर्ट करो ठीक है दैट्स योर पॉलिटिकल ओपिनियन एंड यू हैव अ राइट टू योर पॉलिटिकल ओपिनियन एक जेन्यन प्रॉब्लम मेरी बस ये है कि हेट्रेड को सपोर्ट मत करो और हेट्रेड मतलब आप कांग्रेसी हो या कम्युनिस्ट हो या लेफ्ट विंग हो राइट right विंग हो लिबरल हो लेकिन आपके अंदर हेट्रेड है किसी भी दूसरे फैले ह्यूमन बींग को लेकर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ले उस पर एतराज़ करना क्या बुरी बात है कौन होगा जो ये ये बोलेगा कि मुझे तो ऐसी सोसाइटी में रहना है जहाँ पे नफरतें हैं नहीं चाहो ना आप लोग चाहेंगे अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटीज में बड़ा करना तो आई 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 डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद पीपल सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी एज लॉन्ग एज दे टॉक अबाउट जस्टिस एंड दे डू नॉट टॉक अबाउट हेटरेट बिकॉज हेटरेट इज अ नेगेटिव इमोशन वाई वुड वी वॉन्ट हेटरेड इन आर लाइज अराउंड अस वाई इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे एनी पॉसिबल एक्सेप्ट आपका पर्सनल खुंदा किसी से ज्यादा तो वो निकलेगी ठीक है अगर हेटरेड का कोई भी एक फ़ायदा कोई मेरे को एक बार बता दे कि नफरत करने से ये चार चीज़ें हमारी सोसाइटी में हमारी कंट्री में बढ़िया इंक्रीज होती हैं तो दिखा दे मैं मान जाऊँगा कोई नहीं है तो इट आई आई डोंट केयर हुम यू सपोर्ट बट इफ यू सपोर्ट जस्टिस एंड पीस आई एम आई डोंट केयर कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करो अगर आप, आपके मन में हेटरेड है तो भी मैं आप चाहे मेरी पॉलिटिकल लीडिंगस से लेकिन आपके मन में हेटरेड है तो मुझे कोई आपसे वो नहीं है आई थिंक दिस इज अड लेसन फॉर इंडिया टू लर्न फ्रम पाकिस्तान के जब आप एक फैसला कर लेते हो ना कि अच्छा यार ये चार लोग हमारे दुश्मन हैं mm. और बाकी सब आप लोग सब सेफ हैं आप लोग सब जो अगर हम सौ लोग हैं आप नाइनटी सिक्स को डरने की जरूरत नहीं ये चार लोग बुरे थे Once you start drawing that circle, mm. दस साल बाद बोलेंगे अच्छा चार नहीं सोलह और निकाल तो जाएगा एंड में वो ये दिस प्रोसेस yeah. mm. आपने बोला कि यार ये लोग हैं वो तो अब ए रेडिकेट हो गया अब पाकिस्तान में एक रिलीजस माइनॉरिटी है जो हमने तो सालों से वेलनाइज करके अब वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते तो अब वी मूव ऑन टू अदर अदर रिलीजस माइनॉरिटीज़ राइट अब अगर लेट्स से शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लेजिस्लेशन के ऊपर उनकी डिबेट हो रही है फाइट हो रही है अगर हम यहाँ से दस साल देखें पंद्रह साल बाद देखें अगर आपने शयाह उसको बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया बिल्कुल ही बॉडर पर गया फिर क्या जंग होगी फिर आपस में लड़ेंगे जो सुन्नी के दो मेजर सेक्ट हैं जब आप जब आप शुरू से ही आपने एक पौधा जो लगाया है वो जब बड़ा होगा तो अपने फल देगा ना फिर वो अब उससे कैसे भागोगे जब आपने सीखा ही कि एक दिन से अगले दिन में किसी नफरत को लेके जाना है तो जब जिससे नफरत है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको नफरत अगले दिन लेके जाएंगे तो किससे लेके जाओगे आपस में ही होगी फिर दैट इज़ आई एम दैट आई पोलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी हो सकती हैं और उनके सपोर्टर्स हो सकते हैं और होने भी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर होने भी चाहिए लेकिन हेट रेट का जो जो फ्रेमवर्क है वो वो नहीं होना चाहिए किसी किसी भी पार्टी क्योंकि वो उसका कोई एंड नहीं है जैसे एज यू वो वो आप बिकॉज आपको एक चीज़ की आदत पड़ गई है नफरत की आदत पड़ गई है तो जब नफरत के वो सारे सामान जो शुरू में जिनसे आपने नफरत करनी शुरू होती है ख़त्म हो जाएंगे फिर आपको दूसरे चाहिए बिकॉज इट हैज़ बिकम योर सेकंड नेचर खाना खाते हो और नफरत करते हो तो यही है सर तो कहना इसमें आपका जो बचपन है वो भी उसी पार्टी में गुजरा है नहीं मेरा बचपन तो देखो सर हम लाइक फैमिली कास्ट प्रिवलेज है मेरे पास बट फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वी आर नॉट वेरी वेल टू डू तो हमारा बचपन जो है ना और वो बिकॉज माई फादर ग्रू अप इन विलेज एंड देन ही ट्रांजिशन इन अ सिटी लाइफ ही वॉज बी Uh, मतलब वो अपना गांव भी नहीं छोड़ पाए और शहर भी नहीं पकड़ पाए तो बीच में ही लटके रह गए तो वो ज़िंदगी हमारी तो स्ट्रगल ही थी बिकॉज पैसा भी नहीं था तो उनका मेन जो मकसद रहा एजुकेशन रहा क्योंकि इंडिया में एजुकेशन पे उस टाइम पे बहुत ज़ोर था कि पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसी जद्दोजहद में बचपन निकला है कि पढ़ाई में अगर फर्स्ट नहीं आए क्लास में तो जूत पढ़ेंगे बहुत बड़े बड़े और पढ़ते थे बहुत ढुकाई होती थी तो उस उस टाइम पे तो कुछ और सोचने का वक्त नहीं था सिवाय इसके कि भाई फर्स्ट टाइम है कभी आते थे कभी नहीं आते थे जब आते थे तो पीठ तो थपथपाई थप जाती थी जब नहीं आते थे तो जूत थपथपाई थप जाते थे ये तो घर की बात है बट अगर स्कूल का आपको कब वो हुआ कि यार थोड़ा बहुत जो ये पढ़ा रहे हैं ये तो मैं गलत तरफ निकल जाऊँगा अगर ये मैं सटनली अगर कोई मैसेजिंग की जा रही है इसको मैंने अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है शहजाद भाई सच बता रहा हूँ आपको मैं जितने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी ना कभी ऐसा नहीं हुआ कभी ये नहीं पढ़ाया गया कि जहाँ पे कभी नफरत नहीं सिखाई गई कभी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बताई गई सेकुलरिज्म की इंपॉर्टेंस बताई गई और हिंदुस्तान की जो आ, जो फैब्रिक है उसको स्ट्रॉन्ग करने का सिखाया गया मुझे नहीं याद कि मेरी किसी स्कूल एजुकेशन में कभी भी कुछ उल्टी सीधी बात हुई कभी भी नहीं आई नॉट इवन गोट अ सिंगल एग्जाम्पल और ये मैं कोई इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आ, आ, मुझे ब्राउनी पॉइंट चाहिए कहीं से क्योंकि मैं ब्राउनी पॉइंट्स तो मेरे पास है ही नहीं मैं तो मैं तो, तो मशहूर ही कड़वा बोलने के लिए हूँ ठीक है जितना भी थोड़ा बहुत मशहूर दो चार लोग जो जानते हैं तो बट ऐसा नहीं था ऐसे कभी भी नहीं हुआ वो अक्सर मैंने देखा आपके वीडियोस पे लोग कमेंट करते हैं कि बोलता है बहुत कड़वा लेकिन है लेकिन बात जो है वो पाकिस्तान <laughs> स्टंडीज की जो किताब है वो भी आप एकदम इंडिया लेकर गए हैं तो आई थिंक पाकिस्तान में लोग नहीं समझते कि ये जो सटल मैसेजिंग होती है या किसी तरीके से बताया जाता है जिससे ये बाहर आगे जाके नफरतें बढ़ती हैं यू नो वन यूर सिक्स वन यूर सेवन वन यूर एट नाइन ब्रेन वॉशिंग होगी ना तो वही ना तो वो जो आपने पाकिस्तानी आप बता रहे कि आपने पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स उठाई हैं और पढ़ी हाँ। उसमें क्या नज़र आया आपको सर uh, काफ़ी कुछ गलत uh, बताया गलत डायरेक्शन से मतलब वो सटल मैसेजिंग hmm. जो है ना वो एंड आई डोंट थिंक एनी किट डिजर्व टू बी यू नो मेंटली उसको इस तरह से एजुकेशन मिलनी चाहिए मेरे ख्याल इंडाट्रेशन इंडाट्रेशन एक माइल्ड इंडाट्रिनेशन ही सही लेकिन है वो छोटे दिमाग लिए इंडक्ट्रिनेशन और साइंस की किताबें भी मैंने देखी थी और आ, जो पाकिस्तान स्टडी जिसको हमारे यहाँ सोशल साइंस कहते हैं या पाकिस्तान स्टडीज है शायद ऐसा ही है मेरे ख्याल ऐसा ही ऐूब खान ने चेंज किया था हमारे यहाँ भी पहले ही सोशल साइंसेज ही थे ऐब खान साहब ने बोला हिस्ट्री शिस्ट्री खत्म करो आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाएंगे आप हाँ तो वो आई वॉज रियली डिसंटेड बाई बुक्स फ्रेंकली स्पीकिंग और यार देखो शायद हम लोग ही अगर पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि यहाँ एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं mm -hmm. बहुत सारे लोग यहाँ के लोग बहुत पॉइंट आउट कर रहे हैं आपने भी देखा ही होगा ये या दैट शुड नॉट आई एन नो किट डिजर्व दैट दैट कांड ऑफ एजुकेशन वो बच्चों क्या गलती है mm. तो दैट हैज टू चेंज आई डोंट नो हु विल चेंज वन विल इट चेंज बिकॉज टू मेक बेटर सोसाइटीज़ वी नीड बेटर बिल्कुल ही फ्रेंज है और क्योंकि वो इतना एक्सट्रीमिस्ट है तो इसीलिए वो हाईलाइट हो जाता है या पाकिस्तान में हमें ज़्यादा नज़र आता है मोस्ट ऑफ इंडिया स्टिल होल्ड के जी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी लिबरल से इवन सी ए और ये वो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुई दैट इज़ इंडिया अलॉट मोर दैन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी दैट वी सी दैट मे बिकम वायरल बट दैट डज नॉट रिप्रेजेंट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन अच्छा साहब देखो मैं कहता हूँ कि क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है ठीक है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग हैं तो अच्छे लोग, अच्छे लोग अच्छे लोग बुरे लोग हर सोसाइटीज़ में हैं तो क्योंकि इंडिया में इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीट नाउ तो अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और बाय दैट लॉजिक बुरे लोग भी का नंबर भी ज़्यादा ही होगा और बुरे से मैं ये नहीं कह रहा कि गल खराब इंसान पर वही हेट ट्रेड वाला जो है और किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी की पावर मेरे मेरी नज़र में तब समझ में आती है कि जब उस कंट्री में डेमोक्रेसी खतरे में होती है किसी भी वजह से एंड द सोसाइटी फाइट बैक्स टू रिक्लेम्स डेमोक्रेसी दैट दैट प्रूव्स दैट के डेमोक्रेटिक ईथोज जो हैं वो सोसाइटी के अंदर एटलीस्ट इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी के इथो वैसे तो हमारी सोसाइटीज में एक्सपेक्टेशन कास्ट का भी बहुत है मैं इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी की बात कर रहा करूँ तो वो इथोज़ बहुत डीप हैं तो वो फाइट बैक जिस सोसाइटी में हो रहा है वो वो डेमोक्रेटिक में मानता हूँ कि डेमोक्रेसी मजबूत है बट ये जो ये वायरल वीडियोज फ्लो जाते हैं कि ये जो सोशल मीडिया का जो ए आई है इसको पता है कि कौन से वीडियो का कौन ऑडियंस है वो उसके पास वो वीडियो पहुंचा के ही छोड़ेगा तो लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम अब कई बार तो ऐसा होता आप सोच भी रहे हो तो अदर ऐड आने लग जाता है स्क्रीन पे आपने सोचा कि मैं छुट्टियां मनाने फलानी जगह जाऊंगा तो वहाँ के रिजॉर्ट्स के ऐड आने लग जाते हैं यह, यहाँ है चले जाऊँ तो अब देर इज बिगर गेम इन प्लेस डेफिनेटली और हेटरेड इज इज़ अ कमोडिटी दैट इज सोल्ड वेरी इजीली अभी <coughs> स्पोर्ट्स को ही देख लो आप मैच इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच होता है तो स्पोर्ट से ज़्यादा उसमें नेशनलिज्म डाल के और उसको ना एक ऐसा इवेंट बनाने की कोशिश करी जाती है जहाँ वो टीवी तोड़ रहे हैं बा, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है ये व्हाट ये स्पोर्ट है क्या स्पोर्ट तो ये नहीं है ना बट हेटरेड सेल्स इसीलिए फिल्म में विलन होता है है वो विलन गंदी हरकते करता है हीरो पीटता है और लास्ट में हीरो जीतता है ये इतने सालों से तो यही होता रहा है ना हेटेट को बेचना बहुत ही आसान है और वो बिक्री है और जो बेचने वाले हैं ना उनको कोई मतलब नहीं है किसी सोसाइटी से किसी इंसानियत से किसी मुल्क से किसी डेमोक्रेसी से उनको अपना माल बेचना है इसमें ये, ये भी एक थ्योरी है कि स्पोर्ट्स एक्चुअली इन्वेंटेड टू प्रिवेंट वॉर के आपका जो एक नेशनलिज्म है वो बॉर्डर में निकल जाए नहीं जी आप जाएं जाएसियम में अपनी पे चेयर करो दूसरों को गालियां तो से में से गले मिलो। गले से बाहर आओ मिलो इज एक्चुअली बेस्ट पार्ट ऑफ स्पोर्ट मैं देखता हूं। एक दूसरे को मारने अंदर जा रहे होते हैं। गले मिलते हैं। अभी से तो हमारी, हमारे प्लेयर्स तो बहुत लेकिन बेचने वाली इंडस्ट्री है एक पीछे। so वो सब सही है बट गंभीर जैसे लोग गले ना मिले उनसे मिले ना ये दुश्मन है उस टाइप का जो एक लॉजिक है या गंभीर ने कुछ फैंस को मिडिल फिंगर दिखा दी थी आई थिंक वैन इट बॉडर बिग बिड प्रॉब्लम वकारस ने भी अभी जब वर्ल्ड कप में रजवान ने ख्याल से नमाज पढ़ी थी तो एक वकारस ने बहुत गलत बात कर दी थी इंडियन मीडिया पर जाकर या पाकिस्तानी मीडिया पर जाकर तो येस वैन वैन इट गोज टू दैट एक्सट्रीम वेर इट शो सम कि हाँ तेरी ले ली ये ले ली हाँ मतलब एक, एक बैंटर ठीक है हाँ। मतलब वो मैं खुद खेल खेलता हाँ। रहा हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी खुद क्रिकेट खेला हूँ बहुत कम्पिटिटिव हो जाते हैं अब जब हम एक ही कंट्री के लोग एक ही शहर में रहने वाले लोग एक ही मोहल्ले में दो कंपनीज हैं उनका मैच में इतना वर्कडअप हो जाते हैं तो और कुछ वॉर तो नहीं हो रही है तो ऐसी एक्सप्लेंट करते थे तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में भी हो जानी ऐसे ही है प्लेयर्स के बीच में तो है लेकिन जो एडवर्टीजमेंट्स हैं और जो उसकी सीरीज से पहले बिल्डअप है और जो बनाना अब देख रहे हो बारिश ही हो जा रही है <laughs> कर लो अब दो दो बार खेलें दोनों बार बारिश हो गई है क्या क्या, क्या निकलेगा इससे कुछ भी नहीं और इट्स नॉट स्पोर्ट एनी मोर आई थिंक कोई भी यार इंडिया और पाकिस्तान हॉकी भी तो खेलते हैं साथ में कबड्डियाँ के मैच होते हैं अभी वो

Hmm. लेकिन सामने हमें ये नज़र आता था अब तो हमें सामने भी ये नज़र आते है कि अच्छा बारिश हो गई तो साथ ही बैठे हैं शोर लगा रहे हैं ग्रेट यार यार या सो आई थिंक वो भी बोर हो गए होंगे क्या है इतना प्रेशर प्रेशर बन hmm. जाता है आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के तफरी मारते हैं hmm. यार दोस्ती में खेलते हैं ग्राउंड पे खेलो अच्छा खेलो बट आई डोंट लाइक द एंटायर इंडस्ट्री बिहाइंड दिस विच नो ट्राइज़ टू पोर्ट्रेट द मैच, द गेम एस एस वॉर, दे वांट दैट सेंटीमेंट, और उसी के चलते ऐसे फालतू एड्स भी बनते हैं, यहाँ पे भी बनते होंगे, आई एम शुर, क्योंकि बेचने वाला तो दोनों जगह सेम ही है, यार गुड बैंड, आई मीन मौका मौका वो गुड बैंडर, अगर आपने वो एड देखा था, म I think that was very good banter between there the two countries. Be, they should be fun, यार. एक आप इंसान अगर ये सोचता है कि वो कोई 400 साल जिएगा तो नहीं है या hmm. वो हमेशा जिएगा. एक एक लाइफ है उसमें आपने मेजॉरिटी आपने नफरत में ही निकाल दी तो बचा क्या आपके पास यार? खुश रहो, खुश रहने दो. Be a loving person. But कहने को तो बड़ी फिल्मी फिलोसफिकल बातें हैं यार ये. But I think

टाइम हर सोसाइटी की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं मैं बाहर से आके मैं यहाँ पे अपनी ओपिनियन पेल लग जाऊँ कि तुम्हारे यहाँ ये गलत है तुम्हारे यहाँ ये ठीक है तुम ये क्या कर करो वे करो तो मैं कौन होता हूँ यार मैं यहाँ तो रहता नहीं ना मैं यहाँ पर टैक्स भर रहा ना ना मैं यहाँ पे कोई ऐसे कोई मेरी रिश्तेदारी यहाँ पर किसी से तो हु एम आई टू कम हेयर एंड एंड मेक अ कमेंट पाकिस्तान छोड़ो मैं तो इंडिया पे भी जहाँ मैं रहता हूँ सिर्फ वहीं पे कमेंट करने लायक हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग मैं जाके साउथ इंडिया के बारे में कमेंट करने लग जाऊँ तो वो मेरे को बोलेंगे तो अपने काम से काम रख तो ऑफ कोर्स चेंजेस होंगे लेकिन यू आर अ बेटर पर्सन टू और एनी पाकिस्तान आंसर दैट मतलब मैं तो यार मेहमान की तरह आता हूँ चार पाँच दिन काफ़ी के चला जाता हूँ चले मैं मेहमान की मेहमान से हम तारीफें करवा लेते हैं आपने कहीं बोला था कि कराची i have so many stories uh, here in fact i wrote a film i told you mm -hmm. about and uh, when i first came here so i was very curious because I my family doesn't belong to pakistan mm. and mirakurishtari but it's itna पाकिस्तान के बारे में इतनी क्यूरियोसिटी थी हर डिस्कशन में कुछ ना कुछ मैच में या किसी भी बात में जो भी हमारे बीच में डिफरेंसेस रहे mm. तो मैं बड़ा क्यूरियस था कि यार मैं जाके देखना चाहता हूँ यार व्हाट इज दिस सोसाइटी एंड आई मेड एफर्ट्स एंड आई कुड कम एंड देन व्हेन आई केम हियर आई वाज फैसिनेटेड बाई द स्टोरीज दैट दिस सिटी हैड टू ऑफर एट दैट पॉइंट नाउ तो आई नो ऑल दो थिंग्स अब तो वो वो बात हो बट दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम सो इट फैसिनेटेड मी एंड इट वॉज सो मतलब ऐसा नहीं लग रहा था मेरे को कि कोई टेरिटरी में हुए so, ही है और खाने के मामले में भी मुझे ये नहीं लगा कि कोई अनफेमिलियर टेरिटरी में मैं आ गया हूँ खाना तो बहुत अच्छा कराची का खाना दिल्ली का भी बहुत अच्छा है शायद लाहौर से तो बहुत ही बेहतर है कराची का अब वो वो आप लाहौर वालों हाँ। से बात करना मैं शायद दिल्ली में सही जगह नहीं गया हो सकता मुझे वो सबसे पॉपुलर जगह ही ले गए थे और

मेजोरिटी ऑफ इंडियंस इट मीट राइट और बट जो नॉन मीट में नॉन मीट बोलना पसंद है प्योर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ये तो नॉमन क्लेचर ही गड़बड़ है हुँ. ठीक है तुम तो, वेजिटेरियन को तुम नॉर्मलाइज करके और नॉन वेजिटेरियन को तुम बता रहे हो कि ये वेजिटेरियन नहीं है तो उस क्लासीफिकेशन में मैं नहीं जाता मीट और नो मीट तो जो नो मीट वाला भी खाना है ना बहुत वैरायटी है बहुत अच्छा नो मीट का ज़्यादा बेहतर हाँ तो वो आप आप आओगे तो हम आपको खिलाएंगे मैं तो मेरे जो भी दोस्त आते हैं तो मैं उनको स्ट्रीट फूड खिलाता हूँ तो एक मेरा दोस्त जिससे कल आप मिले थे वो बोल आया था तो मैं उसको स्ट्रीट फूड खिला के वहीं से पानी पिलवा दिया तो मेरी मेरी एक दोस्त कहती है कि यार स्ट्रीट साइड वाटर बिस्लरी तो ले लें मैंने कहा ये कहाँ से आया है एक पड़ोस से आया है यार मैं भी हाँ यहाँ पर बिस्लरी खरीद के नहीं पीता हूँ उससे हमारे यार हम गांव के लोग हैं यार बिस्लर विसलरी तो अभाव आएंगे बाद में यार हमें ट्यूबवेल के पानी पीने का घड़े में पानी रखा हुआ है मटके में वो 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 था बट या के तुम हाँ तू आंसर ये ओरिजिनल क्वेश्चन आई एम अ स्टोरी टेलर और जहाँ पे भी मेरे को स्टोरीज मिलती हैं वो जगह से मुझे हो जाती है सुनाई कोई कराची की स्टोरी सुनाने लायक थी <laughs> नहीं एक तो मुझे पता है एक तो मुझे आपने सुनाई है रात को वो नहीं सुना सकते शायद पर कोई ऐसी स्टोरी देखी होगी जो वो सब वो जो फिल्म मैंने लिखी थी वो सब उसमें है वो तो बनेगी नहीं ना वो वो बनेगी नहीं वो उसका रीज़न आपको पता ही मैंने बड़ी कोशिश करी लेकिन एंड एंड आई आई होपफुली कन्वर्ट इट अ बुक मे बी उस किताब के बनने के बाद शायद कोई उठा के फिल्म बना दें आप आजकल बहुत फिल्में भी लिख रहे हैं तो आपने कहीं ये भी कहा था कि हिंदी सिनेमा नहीं है हिंदू सिनेमा है बॉलीवुड नहीं हिंदी सिनेमा ही है आ, बट जो साउथ इंडिया की फिल्में हैं जैसे मलयालम हुई तमिल फिल्में हुई ये भी एक अपने आप में एक ख़ुद मुख्तार इंडस्ट्री है बिल्कुल है और बहुत अच्छा सिनेमा ये लोग बना रहे हैं क्योंकि अक्सर बॉलीवुड को ही रिप्रेजेंटेटिव सिनेमा माना जाता है इंडिया का बट ऐसा है नहीं वो तो हिंदी फिल्में बनाता है ना बट हिंदी तो बहुत जगह नहीं बोली जाती ना तो उनकी अपनी लैंग्वेज की जो जो फिल्में हैं सम देम आर रियली ग्रेट फिल्म्स तो फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज उनकी अपनी एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है साउथ की और उनके अपने सुपरस्टार्स हैं जो उतने ही बड़े हैं रजनीकांत हुए ममुंडी हुए ये सब लोग हुए ये ये मतलब वो हैं दिग्गज हैं अपनी अपनी लैंग्वेज के सिनेमा के तो हिंदी की फिल्म बॉलीवुड बनाता है बट दैट नॉट दैट डज नॉट्रजेंट ऑफ इंडियन सिनेमा उसमें भी आ, आप एक दफ़ा कहीं बता रहे थे कि मूवियाँ uh, बन रही थी सिक्सटीज हाँ अगर आप सिक्सटीज़ का पाकिस्तान का सिनेमा देखें और इंडिया का सिनेमा देखें तो वो सेम फिल्में बन रही थी सोशल इनकॉलिटी uh, के बारे में बन रही थी जिसमें जो हीरो है वो बहुत गरीब है और बहुत अमीर सेठ की बेटी से उसकी मोहब्बत हो गई है और फिर वो क्लास स्ट्रगल जो था आप फिल्मों को देखेंगे तो उनके शॉट्स भी उनकी कैरेक्टर्स भी उनकी जद्दोजहद भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थी इंडिया और पाकिस्तान में देन सेवेंटीज में इट चेंज यहाँ तो हमारे बंदी हो गए फिल्मों में इंडिया में क्या बदला नहीं नहीं यहाँ पे चेंज हुआ सैनिक इंडिया में तो सिनेमा तो यार मेजर इंडस्ट्री है बनती रही सेवेंटीज में बनती रही एटीज में खराब म्यूजिक की फिल्में आने लग गई फिर नाइन्टीज़ में भी थोड़ा मतलब शाहरुख खान चढ़े तो फिर अच्छा म्यूजिक भी आने लग गया अब 2000 में मतलब वी वीएफएक्स वगैरह ये सब आके थोड़े टेक्निकली एडवांस फिल्में होने लग गई रावण वगैरह ये सब mm -hmm. फिल्म बनी थी बट आई आई सिक्सटीज के सिनेमा जैसे वहीद मुराद का वो गाना है मुझे तुम नज़र से गिरात हो रहे हो पियानो पे इफ़ यू लुक एट एनी फिल्म फ्राम द सिक्सटीज़ फ्राम इंडिया आपको लगेगा ये वही सेट है वही फ़ाइट है वही म्यूजिक है वही करेक्टराइजेशन है बाप वहाँ पर खड़ा हुआ मूव बना रहा है बेटी वो कर रही है कश्मे कशमें है गरीब हीरो जो है प्यनो बजा रहा है पता नहीं कैसे सीखा उसने ये अलग बात है और बट बेसिकलीट वॉज अबाउट न्यू नेशन ट्राइंग टू फाइंड दियर फीट एंड एक्चुअली ट्राइंग टू एड्रेस द सोशल डिस्पेरिटी या जो डिफ्रेंसिस हैं सोसाइटीज़ में इकोनॉमिक उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ये सिक्सटीज तक तो हुआ है तो ये जो हमने ग्रैंडियर और वेल्थ देखा है करण जौहर की फिल्मों में कि इतने महल हैं और आपने तो उसके कास्ट एलिमेंट पे भी बात की है कि ये लोग जी होते हैं ये होते हैं डू फील दैट दैट कल्चर उस पर आपका क्या ओपिनियन है सर वो तो लार्जर बनाया है वैसा तो मैं मैंने तो कहीं देखा नहीं ऐसे हेलीकॉप्टर से अपने घर में आ रहा है बंदा कोई हमारी तो के पास शॉपर है एंटीला पत्रता भी है वो और तो मैंने कहीं नहीं देखा ये इतना वो फैंटसी वर्ल्ड है उस वो यकीन मत करो वैसा वैसा कहीं नहीं है तो बस आई तो डिसमिस दैट यार मैं तो देखता ही नहीं उसको वो सब चीज़ें नेवर अट्रैक्टेड में तो आई डोंट इवन कंसिडर इट ए सिनेमा तो वो कास्ट की तो बात बहुत बाद में आएगी इन इन फिल्मों में पहले तो एड्रेस मतलब एक्सेप्ट तो करेंगे कि, कि कास्ट इशू है Uh, my, my <laughs> in मतलब करवा चौथ का आपने मेरे ख्याल से बात किया है कि शायद इतना नहीं होता था लेकिन फिल्मों ने जब पॉपुलज कर दिया तो अब घर घर में हो रहे हैं हाँ हमारे यहाँ तो नहीं होता था यार मतलब ट्रेडिशनली जाट कम्यूनिटी जो है वो उसमें तो नहीं होता था पर अब सिनेमा में दिखा दिखा के अब ये एक वो लोग करने लग गए मतलब और वो भी कर रहे हैं जिनके पास जाद, बहुत ज़्यादा पैसा है पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इसको कल्चरल कुल्चर, कल्चरल आस्पेक्ट मानने लग गए हैं बट इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आर कल्चर नॉट हमारे यहाँ तो नहीं होता था बड़ी। मतलब क्या लाइक like, होली मैं फिल्मों में देखता हूँ बड़ी मजे की लगती है मजे 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 की की है की, होनी भी हर त्यौहार मजे का ही होना चाहिए ना लेकिन अगर उस त्यौहार की आड़ में और गलत काम हो रहे हैं तो जिसके साथ हो रहे हैं और वो अगर बोल वो इंसान अगर बोल रहा है कि आई एम स्केयर्ड तो हमें सुनना चाहिए ना उसकी बातें ठीक है ना अब इस इसके बारे में क्या ही क्या ही मैं बताऊँ मतलब तो आप पीपल होली इज़ अ हैप्पी फेस्टिवल हैप्पी पर uh, एक अन सोसाइटी में ख़ास पर जो जो जेंडर को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस सोसाइटी में आप उनको एक ऐसा वो त्योहार भी दे दो कि वो हाथ फिरा सकें और बोले बुरा ना मानो होली है देन दैट्स अ डेंजरस टेरिटरी एंड यू आस्क एनी एनी वुमन विद थोड़ी मतलब uh, दस बारह साल की उम्र से लेके पचास साठ साल की एनी वुमन एनी एनी वन ऑफ देम दे विल हैव अ हॉर स्टोरी अबाउट दिस त्यौहार है और जैसे करवा चौथ की भी बात आई आप इसको देखो उस उस त्योहार का लॉजिक है कि औरत सारा दिन भूखा रहेगी ताकि उसकी जो पति है हस्बैंड है उसकी उम्र लंबी हो जाए उससे बेटर ये नहीं है कि उसका पति जो जॉगिंग पे चला जाएगा सुबह एक्सरसाइज कर ले थोड़ी सी अपनी डाइट ठीक कर ले उससे ज्यादा चांसेस है ना उम्र बढ़ने के और क्यों औरत भूखी रहे दोनों रह लें नहीं दोनों ही क्यों रहे फिल्मों में क्यूट मोमेंट होता है मैंने भी सुबह से कुछ नहीं कहा अब ये क्यूट मोमेंट क्यूट मोमेंट क्या है इसमें क्यूट नहीं क्रिंज मोमेंट है ये क्योंकि इट इज़ एक्चुअली कीपिंग द ट्रेडिशनल करवा चौथ अलाइव अब जैसे मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ठीक है मैरिज का इंस्टीट्यूशन मुझे तो लगता है बहुत ही इरेलीवेंट है ठीक है और इट इज लूजिंग इट्स रेलिवेंस एज वी मूव फॉरवर्ड इन टाइम बट पीपल स्टिल मैरी राइट एंड पीपल हैव ऑफन सीन यंग मॉडर्न कपल से हमारी डिफरेंट किस्म की शादी है हमने तो कोर्ट में शादी करी है हमने कोई Uh, बड़ा झंझट ताम नहीं किया पेपर पे किया है hmm. और हमारी शादी डिफरेंट किस्म की होगी बट एक्चुअली जो बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सप्लोइटेशन है तुम तो उसी को एक, आ, आ, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो वो बेसिक इंस्टीट्यूशन ही प्रॉब्लमेटिक है अब तुम तो उसको कैसे भी घुमा लो यार कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकते अब इट्स लाइक कोई एक रिलीजस बिल्डिंग बनाए कि दिस इज़ डिफरेंट ये वैसा नहीं है इसमें इस इसमें वो सब आ, ये हमने बड़े डिफरेंट किस्म से बनाया है बट बेसिकली है तो वो रिलीजियस बिल्डिंग है ना इट इज़ यू नो एक आइडियोलॉजी को मजबूत कर रहा है ना वो आपने उसके फॉर्म चेंज कर दिया दैट मीन्स के उस आपने इवॉल्व कर दिया उस स्ट्रक्चर को सो दैट इट सर्वाइव फर्दर आई थिंक मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह है ना अगर दो लोग कंसेंचुअली एग्री करते हैं आई एग्री कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें इतनी इनकॉलिटी है दैट

करो शादी लेकिन मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन उसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है और लोग एग्जामिन कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन इट्स इट इज़ लूजिंग इट्स रेलिवेंस क्योंकि अभी और इसकी रेलिवेंस क्यों लूज करें क्योंकि बिकॉज uh, औरतें जो है ना दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एट लीस्ट इन सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दे हैव देअर करियर्स हैव देयर जॉब्स और उनके अपने पर्सनल एम्बिशंस भी हैं और जब औरतें इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करती हैं तो ये जो ट्रेडिशनल मेल पेट्रियल इंस्टीट्यूशन है ना इनको इनको खतरा होने लगता है सडनली इसीलिए इन इंस्टीट्यूशन की दुहाई दे के औरतों का पढ़ना रोकते हैं उनका जॉब करना, करना रोकते हैं उनका करियर रोकते हैं कि नहीं यार शादी टूट जाएगी या घर टूट जाएगा या ये तो इस पर ध्यान नहीं दे रही है So, the more independent and financially independent women become, the more they focus on their careers and the more perks they get out of their careers, the institution of marriage will collapse. And that's why uh, patriarchy doesn't want women to have careers and, or go out.

नॉर्थ का जो नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है वही नॉर्थ का पाकिस्तान सेम mm -hmm. ही uh, उनकी सोच है औरतों औरतों को लेके बट हाँ इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर्स यू विल फाइंड मोर वीमेन इन इंडिया हेज इंडिया डन समथिंग टू मेक स्ट्रीट सेफर फॉर वीमेन दैट पाकिस्तान कैन रेप्लिकेट सर मेरा मानना ये है कि ये सेफ्टी का जो ये वाली सेफ्टी जो तो बात कर रहा हूँ ये एक बहुत ही कल्चरल चीज़ है आप कितने भी लॉस बना लो वो आपको लॉस बना के सख्ती कर दो होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए तो वो आ, सोच को ख़त्म नहीं करेगा लेकिन सोच को ख़त्म करने के लिए पूरा एक सोशल मूवमेंट होना चाहिए और मैंने आ, आज की डेट में इंडिया में मैं सही बताऊँ द काइंड ऑफ वुमेन आई नो न, जितनी विमेन आई नो आर डेफिनेटली वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी दे हैव देयर ओन करियर्स एंड दे हैव मेड समलीकनवेंशनल चॉइसेस एंड दे लिव ऑन देअर ओन दे हैव अ लाइफ दैट दे विद फैमिली और दे आर लिविंग अलोन तो या तो अगर मैं, अगर मैं बोलूँगी इंडिया में क्या हो रहा है कुछ किया है इसके बारे में कोई खास स्पेसिफिक प्रोग्राम तो नहीं चला ये सब चीज़ें आती हैं कि कुछ ऐसी फिल्में बने जो लोग देखें तो उनको थोड़ी दिमाग पे वो लगे कोई किताबें ऐसी लिखी जाएं जिनके बारे में वो पढ़े तो जो पढ़ता है लिखता है देखता है उसको समझ में आता है अगर हम ये अच्छी चीज़ों की बात कर ही रहे हैं तो कल भी हम मैं तो मस्ती कर रहा था बट आपके दोस्त से जो आपकी डिबेट हो रही थी कि भाई इंडिया को अगर हम पिछले दस साल में देखें तो रेकर्ड रेमिटेंसेज है ग्रोथ है टेक्नोलॉजी ग्रोथ है इकॉनमी ग्रोथ है तो आप क्यों बोल में तनकीद करते हैं आपको तो तारीफ़ें करनी चाहिए ना कि इतनी इकनॉमिकली प्रोग्रेस किया है ताली बजाने वाली चीज़ पे ताली बजाते हैं जो नहीं बजाने वाली चीज़ है उस पर क्यों बजा दूँ वन ऑफ द वन ऑफ द वेज वे यू आप अपने मुल्क को प्यार करते हो तो उसे बेहतर बनाना चाहते हो ना और बेहतर बनाने के लिए कि जो जो कमियां हैं उसको पॉइंट आउट करके उसको ठीक करने की कोशिश करो ना उसके ऊपर चादर डाल के थोड़ी जाएंगे कि भाई अब्बूस हो रहे हैं डिस्टर्ब नहीं करो उनको ये नहीं कर सकते ना यार तो जिनको जिन लोगों को वो कमियां पॉइंट आउट करने से प्रॉब्लम है डू उनको उनको सोचने डू दे एक्चुअली लव देयर कंट्री इफ इफ दे लव देयर कंट्री देन दे शुड स्ट्राइव टू मेक इट अ बेटर बेटर कंट्री राइट तो मैं एज एन इंडियन आई वुड वांट माय कंट्री टू बी जहां आ जाओ उससे और दस कदम आगे हो अगले कुछ सालों में तो उसके लिए आज के मैं पॉइंट आउट करूंगा ही करूंगा और सबको ही करनी mm. चाहिए आप नहीं करते अपने यहाँ की mm. ये इस उससे थोड़ी करते हो कि भाई मैं अपने और वो भद पे अपने मुल्क की बल्कि इससे कि, कि बदले ये ठीक हो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ये यू मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू सो उनको समझ में नहीं आता यार कि हम बेहतरी के लिए है दिल से बेहतरी चाहते हैं हम आई मीन हीट ऑल द टाइम वो भी uh, दो, दोनों दोनों तरह की जो हीट्स हैं नहीं भाई दो ऑप्शन है ना कि या तो आप छोड़ दो हाँ। या आप अपनी कम्युनिटी बेहतर कर लो बेहतर कर लो और क्या? दो ही ऑप्शन है ना मतलब सबको गालियां भी देनी है एक पाकिस्तान का तबका है जो बैठता है रात को और बोलता है ये जो पाकिस्तानी है ना ये डैश है ये है वो है वो है वो है, है। इनसे तो बुरी कोई कौम ही नहीं इनसे तो बुरे कोई लोग भी नहीं फिर जाके अपनी वही जिंदगी गुजारने शुरू हो जाते हैं भाई या तो तुम कुछ बेहतर कर लो तुम बेटर करो ना फिर उसको अगर छोड़ दो फिर जाओ तो दो ही ऑप्शन दैट्स आई ट्राई जितनी चीजें हम बेहतर कर सके या कोशिश कर सम थिंग्स दैट वी ट्राई एंड लर्न फ्रॉम इंडिया इसमें जो डिजिटल इंडिया है उसका कितना फायदा है कि अगर सबके पास क्यू आर कोड् और डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं और अच्छी खासी पेमेंट्स डिजिटल हो रही हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ना फिर तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं लोग बिल्कुल हाँ ये हो रहा है बट बट आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट तो मुझे uh, इतना मतलब वो uh, मतलब आई एम नॉट क्वालिफाइड टू यू नो कमेंट ऑन दैट बट आजकल तो, तो पान वाले के पास भी क्यू आर कोड स्कैन करो और

के जान पहचान में कोई बंदा है जो बत्तीस दफा मग हुआ है बत्तीस दफा मग हुआ है नहीं फिर तो वो शौकी और मैंने वो एक ही पे खड़ा होता है या। जाके जहां पे उसे लपेट लेते हैं आगे फिर एक एक मेरे उप... उन, वो अपने बारे में भी बता रहे थे वो भी पाँच चार पाँच दफा तो कराची में सर गरीब आदमी क्या करे आप बताओ ना मैं ये नहीं कह रहा जो ये ठीक नहीं नहीं है उसको उसके जुर्म है जुर्म के हिसाब से उसकी सजा भी लेकिन वो कोई शौक से तो ये करेगा नहीं यार क्या करे बेचारा और गरीब तो हर जगह का गरीब है सर सबने अपने अपने वो रस्ते पकड़े में कोई मोबाइल स्नैचिंग कर रहा है कोई चोरी चकारी कर रहा है कोई पेशेवर किलर है so like this, आपको क्या लगता है कॉमेडी का क्या रोल होना चाहिए Uh, uh, मेरे हिसाब से तो यार जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए और उनको इस तरीके से दिखाना चाहिए कि मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे टायर ये तो मुश्किल काम है मुश्किल काम करने में तो मजा आसान काम तो सरकारें कर रही है ना नहीं लाठी भी टूट जाए तो मसला क्या है

तो वो मतलब वो तो अगर सटायर ना भी हो तो भी ऑफेंसिव लग जाएगा किसी को ऑन द अदर एंड परफॉर्मेंस इन इंडिया परफॉर्मेंस इन इंडिया जो बहुत प्यार से लेते हैं बहुत प्यार से मेरे में वो टैलेंट नहीं है आपको कौन कौन पसंद है इंडिया में हुँ? मुझे ऑफ कोर्स वरुण गौर पसंद है मुझे रजनीश कपूर हैं वो बहुत पसंद है मुझे कुणाल कामरा भी बहुत पसंद है और पुनीत पानिया हैं वो बहुत बहुत पसंद हैं और बस ये दो, दो चार ही हैं जो थोड़ा मैं मैं जिनको देखना पसंद करूँगा मुझे सेखरी का सटायर का तरीका भी बहुत पसंद है और उनके प्रोग्राम देखा करो आप न्यूज कॉन्ट्री के बहुत बहुत अच्छे हैं मैंने भी बहुत साल पहले तो याद भी नहीं मुझे इसी तरह के शो शुरू किया था हफ्ता न्यूज़ के नाम से अच्छा आई थिंक अच्छा. उसका भी शो का नाम कुछ हफ्ता हफ्ता, हफ्ता, हफ्ता ही है सो इट्स वेरी सिमिलर दैट वेस बट वो यही है कि यहाँ पाकिस्तान में इतना मुश्किल काम है यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट इट्स इजीियर टू टॉक अबाउट द न्यूज़ देन इट इज टू टॉक अबाउट द न्यूज़ मेकर्स वो ज्यादा फ्रेंड हो जाते हैं बात वही है ना शशाद के व्हेन जैसे बोलते हैं गोइंग गेट स्टफ द टफ गेट गोइंग सटायर के मामले में भी यही कि व्हेन द गोइंग गेट स्टफ ना सटायर मौका होता है के पास के वो अपने को इतना शार्प और रिफाइन कर ले कि उसके बीच में भी वो अपनी बात कह के चला जाए yeah. या चली जाए या चले जाए पाकिस्तान से वो के में निकला है इतनी मुश्किल थी और कहना था बिल्कुल बिल्कुल आपको वो ओनली द बेस्ट वही और वो बहुत हम तो उसको सुन सुन के बड़े हुए हैं यार इतना इतना बढ़िया सटायर था इतनी बढ़िया कॉमेडी थी और अभी भी होगा मतलब उस दिन गया था ओपन माइक में बच्चे कोशिश कर रहे हैं उनमें से कुछ अच्छे थे कुछ बहुत अच्छे थे कुछ नहीं थे लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा उनको भी कि किस तरह से पाँच मिनट करना और एक घंटा करना उसमें बड़ा फ़र्क है क्योंकि पाँच मिनट में आप कुछ भी नहीं कर सकते पाँच मिनट में बंदे को प्रेशर देखो उसको पाँच मिनट अपनी बात भी कहनी है उसको हंसाना भी है उसको प्रूव भी करने का अगली बार भी मैं आ सकता हूँ उसके पास है नहीं वो करने के लिए बट धीरे धीरे करेंगे लोग आई सी अ लॉट ऑफ टैलेंट है नो डाउट मुझ पर आजकल बड़ी तनकीद हो रही है मैं कैंसिल हो रहा हूँ एक लोगों से कि एक पाकिस्तान के बहुत अजीम साइटरिस्ट हैं उनको मैंने कह दिया था कि भई अगर आप यू you नो know,

और आप वहाँ पे सिंधियों की तफरी लग जाते हो जो सारे उर्दू स्पीकिंग हंसेंगे ठीक है तो फिर तो आप यू आर आप आर नॉट पुशिंग द ऑन लो अपना यार आपने अगर मार्जिनलाइज़ का मजाक उड़ा के ही आपने अपनी वो क्राफ्ट उसको क्राफ्ट रहे हो आई डोंट थिंक दैट्स दैट्स हाउ इट शुड बी आपने वही पंच पंच डाउन की जो तो हमेशा थ्योरी चलती आती है वो इतनी ज्यादा क्लीशेड हो चुका है बोलना कि मैं उसको बोलना नहीं चाहता था पर असल बात तो यही है to, तो नहीं तो आप to... कौन कैंसिल कर रहा है आपको सर मैं तो रोज होता रहता हूँ कैंसिल तो मैं अब इन चीज़ों पर टेंशन ज़्यादा नहीं लेता आप वैसे आप तो कैंसिल तो नहीं होते ज़्यादा मैं मेरे को कैंसिल कर रही थी क्या मिलेगा और कैंसिल क्या है यार मतलब क्या कैंसिल कि इसको कैंसिल कर दिया उसको कैंसिल कर दिया तुम्हारी कैंसिलेशन इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है यार

सच बोल देता हूँ विदाउट वरियन जब टाइम इससे भी मुश्किल था मैं तभी सच बोल रहा था तो हुँ. अब क्यों ना बोलूँ मैं वैसे कभी कभी मुझे अक्रॉस द बॉर्डर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि तुमने इंडिया के बारे में ये बोला या तुमने वो बोला लाइक like, यार मतलब वाई डिड यू थिंक कि मैं अगर मेरी सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है जहाँ मुझे पता है कि कालीवी को भी आ सकती है कोई सड़क पर मुझे गोली मार सकता है वहाँ अगर मैं इतना खुल के बोल रहा हूँ तो जहाँ तो मेरे कोई स्टेक्स भी नहीं है अब जो सोशल मीडिया पे आपको इंडिया से गाली दे रहा है वो वो आपसे शायद कभी मिलेगा भी नहीं hmm. और मिलेगा तो शायद दोस्ती ही हो जाए hmm. तो ये ये तो ये वाला गेम ही डिफरेंट है मतलब इस गेम का को कोई खास यू आर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए कैंसिल hmm. हो गए कैंसिल हो गए जो कैंसिल कर रहा है वो आके सामने बैठ के एक बार बात कर लेना hmm. हम समझाएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको और नहीं करनी तो करता रहे कैंसिल भाई तो ये कौन लिबरल्स हैं जो कैंसिल कर रहे हैं लिबरल भी करते हैं मेरे कोई वो नहीं है ना अच्छा। ग्रुप नहीं है रिलीजियस लोग भी करते हैं इक्वल ऑफेंडर हो आप सब हाँ। करते हैं हाँ। 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 माशाल्लाह मेरा कोई कोई एक ग्रुप नहीं है वोक लोग मतलब रिलीजियस लोग जो है मुझे वोक समझते हैं वोक लोग जो है मुझे वो कंजर्वेटिव समझते हैं पी वाले मुझे पीएमएलएन समझते हैं पीएमएलएन वाले मुझे पीवीवी समझते हैं पी वाले मुझे मिलिट्री समझते हैं पी वाला कोई नहीं समझता बाकी इतना भी नहीं है लेकिन यही है कि हर ग्रुप को लगता है कि मैं कहीं और कम बदलाऊँ थे। Keep them confused. या, या, या या ये जो ट्रोलिंग की हम बात कर रहे थे वैसे अगर मुझे कल किसी ने गोली वोली मार दी तो आप पे भी इस पर बहुत इल्ज़ाम जाएगा क्योंकि आपने मुझे एक दफ़ा एडवाइस दी थी और मैं वही चला जिंदगी चला रहा हूँ कि जो भोंगते हैं वो काटते नहीं है और जो काटते हैं वो भोंगते नहीं है कि जो वाकई मारने आएगा वो पहले फेसबुक पर थोड़ी मैसेज करेगा कि मुझे आपने बहुत पहले कभी दे हाँ गलत एडवाइस नहीं बिल्कुल ठीक बात अच्छा, बन रहा है मैं तो ये हाँ। ये के चल रहा हूं कि ठीक हाँ। तो अगर कोई फेसबुक पे थ्रेड कर रहा है तो वो आके नहीं मारेगा कोई कोई पब्लिक में बोल के करेगा ही नहीं हाँ। है और जो करेगा वो फेसबुक पे हाँ। नहीं लिखेगा वो भी करना है चले ऐसी ये वाली किस्त यहाँ पर एंड करते हैं एक और सरप्राइज है